ओम शांति। तो जो बाबा ने लक्ष्य, हम सबको क्या बनना है, बाप समान बनना है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना है, हमारी बाप समान स्थिति कब थी, जब हम परम धाम में थे। उस समय कैसी थी स्थिति, बाप समान थी। वो शांति का सागर हम मास्टर शांति के सागर, वो प्रेम का सागर हम मास्टर प्रेम के सागर, यानी उस जैसी स्थिति थी। तो उसके लिए क्या करना है, जो हमें परम धाम का स्वरूप है उसको बार बार स्मृति में लाना है। अमृत वेले लाओ, रात को लाओ, और बार बार स्मृति में लाने से कहाँ जले, शेष में चला जाए। और बता, वो उसको अवश्य ही पूरा करता है। अब एक बार की बात सुनाते हैं आपको। अपने जो डॉक्टर सचिन है ना ग्लोबल हॉस्पिटल में, वो किया हुआ MBBS किया हुआ, MSc किया, तो वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट थे ना, जो जिनका एडमिशन हुआ मेडिकल में फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन हुआ, तो उन लड़कों ने किसी ने सामने रख लिया, लिख के रख लिया कि हम फलाने कॉलेज के डीन हैं, के रखा कि हम रजिस्ट्रार हैं, किसी ने लिखा कि हम सुपरिंटेंडेंट हैं, और 10 साल बाद जिसने जो लिख के रखा था वो बन गया, है नहीं? क्योंकि वो कहाँ चला जाएगा, सब कॉन्शियस में चला जाएगा। अगर जिस दिन कोई लक्ष्य रखते हैं कि भाई जिस दिन पहले दिन आते हैं लक्ष्य दिया कि लक्ष्मी नारायण बनना है, उसी दिन कोई कागज लिख के अपना जेब में रख ले और बार बार उसको देखता रहे, उठते बैठते चलते फिरते, तो क्या होगा, वो उसका सबकॉन्शियस में चला जाएगा और वो क्या बन जाएगा, लक्ष्मी नारायण बन जाएगा। नहीं, ओम शांति।